हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस मेरे पास बहुत सारा मैसेज आया है कि आप फेसबुक में स्टार कैसे सेटअप करें, और मेरे पास बहुत सारा मैसेज आते रहता है और हर मैसेज को रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया है कि आप लोगों को बता दें कि स्टार को कैसे सेटअप करते हैं फेसबुक में, और फेसबुक का सारा प्रोसेस आपको हम बताने वाले हैं कि स्टार सेटअप कैसे करते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों कि इतना सारा मैसेज मेरे पास आया है कि मैं हर मैसेज का रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, कोशिश करता हूँ मैं हर एक मैसेज का रिप्लाई करना उनका फेसबुक में, मतलब उसको प्रॉब्लम को कोशिश करता हूँ सॉल्व करना, उसका हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करता हूँ। तो फाइनली डिसाइड मैंने कर लिया है कि अब इसका स्टार का मैंने आपको सेटअप बताना ही है। तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं, और इसके लिए प्यारा सा एक लाइक कर दीजिए वीडियो को, और इसी टाइप का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलेगा ही। और नीचे जल्दी से सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल नीचे सब्सक्राइब है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं कि आपको अपना, सबसे पहले आपको अपना फेसबुक को ओपन कर लेना होगा। फेसबुक को ओपन करने के बाद यहाँ पर ही आपको जो फोटोज बना हुआ है, बस फोटोज में आपको चले जाना होगा, और इसके नीचे आपको डैशबोर्ड है, यहाँ पर ही डैशबोर्ड में चले जाना हो। डैशबोर्ड में जाने के बाद यहाँ, तो दोस्तों यहाँ पर ही आपको मोनेटाइजेशन का ऑप्शन यहाँ पर ही शो कर जा रहा है, यहाँ पर मोनेटाइजेशन, बस मोनेटाइजेशन में आपको जाना होगा। मोनेटाइजेशन में जाने के बाद यहाँ पर स्टार का एक सेटअप आएगा, यहाँ पर ही सेटअप आएगा इस लोगो में, यहाँ पर स्टार का सेटअप आएगा। और यहाँ पर ही आपको जब इसको ओपन करेंगे, तो ओपन करने के बाद आपको कुछ सेटिंग्स है उसको करना होगा, और उसमें आपको अपना अकाउंट नंबर डालना होगा, उसमें आपको सारा डिटेल डालना होगा, अपना नाम, एड्रेस और ईटीसी, बहुत सारा आपको ऑप्शन जो आपको यहाँ पर ही डालना होगा। तो इसको डालना कैसे है दोस्तों, एक भी जरा सा भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर आप नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला, और मैं आपको हर एक स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग अब इसको सेटअप करते हैं। तो दोस्तों मोनेटाइजेशन को ओपन कर लेने के बाद यहाँ पर ही इस टाइप का आपको पेज मिल जाएगा। यहाँ पर ही देखिए, यहाँ पर जब स्टार पे आप जाएंगे इस टाइप का पेज मिल जाएगा। तो फर्स्ट में आपको क्या करना होगा, नीचे में आपको तीन ऑप्शंस मिलेगा आपको। अगर स्टार का कोई, अगर आप वीडियो को अपलोड करते हैं, रील्स वीडियो को अपलोड आप करते हैं, तो आपको कोई भी स्टार दे सकता है। कनेक्ट विथ फ्रेंड, फ्रेंड से भी आप इस पे कनेक्ट कर सकते हैं, हो सकते हैं आप। और यहाँ पर लास्ट में भी आपको स्टार का ऑप्शन है, और आपको यहाँ पर नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर ही एक गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आता है, आपको गेट स्टार्टेड को क्लिक कर देना है, मतलब उसको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद ये ऑप्शंस आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपको डालना होगा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालना होगा, जो आपका लीगल नेम है, जो आपके पैन कार्ड में है, वो एड्रेस आपको, सॉरी वो नाम आपको यहाँ डालना होगा। उसके बाद आप अपना ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ को डाल देना है, और उसके बाद कंट्री को सेलेक्ट कर देना है, इंडिया से हो इंडिया डालना है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश, नेपाल, किसी जगह से भी आप बिलोंग करते हैं तो वो एड्रेस आपको यहाँ पर ही डाल देना है, मतलब वो कंट्री आपको यहाँ पर ही सेलेक्ट कर देना है। तो फाइनली दोस्तों मैंने यहाँ पर ही सेलेक्ट कर लिया है कंट्री को, और कंट्री करने के बाद यहाँ पर ही आपको बिजनेस टाइप डालना होगा कि आपका बिजनेस किस टाइप का है, इंडिविजुअल है, पर्सनल है, प्रोप्राइटरशिप है। तो यहाँ पर ही आपको इंडिविजुअल, हमेशा आपको इंडिविजुअल डालना है। अगर आपका पार्टनरशिप में आपका फेसबुक चल रहा है, या कोई भी ज्वाइंट वेंचर है, या एलसीसी है, पब्लिक कॉर्पोरेशन है, प्राइवेट कॉर्पोरेशन, कुछ भी है, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से उसको सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि ज्यादातर हम लोग इंडिविजुअली यूज करते हैं, तो इंडिविजुअली को हम लोग सेलेक्ट यहाँ पर ही फर्स्ट में जो आपको ऑप्शन आ रहा है इंडिविजुअली, यहाँ पर ही आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको करना होगा नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ही ऑप्शंस मिल जाएगा, जो आपने लीगल नेम आपको यहाँ पर ही डालना होगा, और मिडिल नेम अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, और लास्ट नेम तो आपको जरूर डालना होगा। उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पर ही आपको फिर एड्रेस डालना होगा। तो जो आपका एड्रेस है, घर का एड्रेस है, जो आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड में है आपका एड्रेस, वो एड्रेस को आपको इसमें आराम से यहाँ पर
डाल देना होगा, उसके बाद सिटी डालना है, स्टेट डाल देना है, जीप कोड मतलब पोस्टल एड्रेस, मतलब उसके बाद आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल करके नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पर लास्ट में एक ऑप्शन और आता है पैन कार्ड। तो आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना होगा, जो कि आपके जो आपने लीगल नेम जो डाला है उस नाम से आपका मैच जरूर होना चाहिए। अगर आपका नाम मैच नहीं होगा तो यहाँ पर ही पैन कार्ड में आपको लेने में प्रॉब्लम आएगा। तो आपको यहाँ पर ही पैन कार्ड नंबर आपको यहाँ पर ही डालना होगा। उसके बाद है यहाँ पर ही आपको टिक कर देना है, आपको सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर ही आपको कर देना होगा नेक्स्ट। तो नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर ही अब आता है हम लोग पे आउट में। तो पे आउट के लिए दोस्तों यहाँ पर ही हमको अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर ही डालना होगा। तो डालने के लिए अगर पहला प्रोसेस आपका है मैनुअल लिंक बैंक अकाउंट, दूसरा है लिंक योर पेपल अकाउंट आपका। अगर पेपल अकाउंट भी है तो वो भी डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप मैनुअली अपना पर्सनल मतलब सेविंग अकाउंट यहाँ पर आप डाल सकते हैं। तो सेविंग अकाउंट डाउनलोड के लिए आपको अपना मैनुअल को सेलेक्ट कर लेना है फर्स्ट ऑप्शन को, उसके बाद कर देना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आपको अपना अकाउंट होल्डर का नाम, जो आपका नाम है वो फर्स्ट में आपको नाम डालना होगा। उसके बाद है आपका स्विफ्ट कोड। स्विफ्ट कोड क्या होता है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो स्विफ्ट कोड आप अपने डायरेक्ट बैंक से जाके ले सकते हैं, नहीं देता है बैंक वाला तो आपका जो जिस बैंक का अकाउंट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक SBI बैंक का अकाउंट है और आप शास्त्री नगर दिल्ली में रहते हो, आप मतलब शास्त्री नगर दिल्ली में बैंक अकाउंट है, तो आपको क्रोम ब्राउजर में सर्च करना होगा स्विफ्ट कोड और उसके बाद है शास्त्री नगर दिल्ली SBI बैंक। ये आपको डाल करके अपना क्रोम ब्राउजर में सर्च कर लेना है। अगर आप लोगों को नहीं मिलता है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मैं उसका स्विफ्ट कोड आपको निकाल करके कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। कोई टेंशन लेने की नहीं है क्योंकि आपने मुझे फॉलो किया हुआ, मैं आपको हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मिला है कि नहीं स्विफ्ट कोड। उसके बाद है आपको परमानेंट अकाउंट नंबर डाल देना है, जो कि आपका बैंक अकाउंट नंबर है, वो अकाउंट नंबर डाल करके यहाँ पर ही नीचे जो लिंक करने का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर ही, तो लिंक यहाँ पर ही आपको कर देना है। लिंक करने के बाद यहाँ पर ही आपको नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, टैक्स एड टैक्स इन्फॉर्मेशन को आपको ऐड कर देना। ऐड करने के बाद दोस्तों ये आपका इस टाइप का इमेजेस खुल जाएगा। फर्स्ट में अगर आपका सिटीजन नो करना है, आर यू यूएस सिटीजन नो कर देना है। लास्ट में इसको भी आपको नो करना होगा, यहाँ पर जो मैंने हाईलाइट कर दिया। अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद जब भी आप यहाँ पर चेक कर लेंगे आपका फर्स्ट में ऊपर में नाम क्या, सबसे बात की है आपको नाम क्या है, उसके बाद आपको अपना नाम चेक कर लेंगे, उसके बाद इंडिया कंट्री है, उसके बाद फर्स्ट में आपको यहाँ पर ही टिक कर देना होगा, जो ब्लू कलर का टिक लगा हुआ है यहाँ पर ही ब्लू कलर का, इसको आपको टिक करके यहाँ पर ही नेक्स्ट करना है। तो इसको हम नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ही आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन का सारा डिटेल आपको मिल जाएगा, आपका एड्रेस सारा डिटेल यहाँ पर ही आपको दिख जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको करना है यहाँ पर ही नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर जो रेड कलर का हाईलाइट किया हुआ है आप इसको जीरो कमीशन में ही टिक करके सेलेक्ट करके आप इसको रखेंगे। रखने के बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर ही आपको फिर आपको ग्रीन कलर का टिक करना है। टिक करने के बाद इसको स्क्रॉल करके जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर ही आपको टिक करना है, यहाँ पर ही जो आपको मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पर ही, यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेना है, मतलब टिक मार देना है। टिक मारने के बाद है यहाँ पर ही आपको सिग्नेचर मांगना, तो सिग्नेचर जब भी आप करेंगे आप अपना पूरा नाम यहाँ पर ही सिग्नेचर आपको करना होगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे डेट है, तो जिस दिन आप ये फॉर्म भरते हैं उसी दिन का ये डेट ऑटोमेटिक ले लेता है। उसके बाद आपको कर देना है नेक्स्ट। फाइनली दोस्तों आपका यहाँ पर ही कन्फिगर हो जाएगा और यहाँ पर ही आपको शो जो कर रहा है अर्निंग जीरो है और स्टार जीरो है, मतलब एक स्टार पे आपको $1 मिलेगा, वन स्टार इक्वल टू $1 ₹82 के अराउंड आपको मिलेगा। और इसको आप कब विड्रॉल कर सकते हैं, जब आपका $100 होगा ये ऑटोमेटिक फेसबुक आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देगी। तो दोस्तों फाइनली मैंने आपको सेटअप कंप्लीट बता दिया है कि इसको कैसे करते हैं, और सेटअप स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया कि आपके फेसबुक में आप मोनेटाइजेशन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे उसको सेटअप कर सकते हैं। और दोस्तों ये भी मैंने बताया कि आपका जब $100 हो जाएगा और आपके बैंक में ऑटोमेटिक
अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, जो आपने अकाउंट नंबर डाला है वो ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको कंप्लीट रूप से बता चुका है और कमेंट मेरे पास इतना आया है कि मैं थक चुका हूं और हर कमेंट का रिप्लाई करना, तो दोस्तों इसके लिए मैंने वीडियो बना दिया। अगर वीडियो आपको पूरा अच्छा लगा हो या पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल नीचे सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।